हाथ का ढोकला पत्थर के जैसा कड़क होगा, इसीलिए ऐसी आवाज आएगी। बरोबर बरोबर। कल आप ढोकला मत बनाना है उर्मिला बहन। तू मुंगी रह जे। उर्मिला अभी क्या किया? ये है गरम पानी। उर्मिली हाँ, कितना गरम पानी भरा था गीजर से तूने, मैं उबल गया देख। नहीं हो ही नहीं सकता, मैंने तो गुनगुना पानी भरा था। आपकी त्वचा में ही प्रॉब्लम है, बहुत नाजुक है। अच्छा मतलब मैं नाजुक, तू महान। थैंक यू महेंद्र, कितना अच्छा लगता है पता है, आप इतने प्यार से मेरी तारीफ करते हैं तो करनी चाहिए कभी कभी बीवी की तारीफ। अरे अच्छा वो सब छोड़िए, अभी सुनिए, शाम की दावत के लिए ना कुछ चीजें खरीदनी है तो जालो जा क्या कहते। अरे पहले नाश्ता तो दे मुझे। तो नाश्ता होटल में करेंगे ना, नाश्ता लंच आज सब बाहर करेंगे, मैं अभी चूल्हा सीधा शाम को ही जलाऊंगी। अच्छा ठीक है। उर्मिला शाम का मेन्यू सुन देख। हाँ। पूरन पुली संभारू शाक, ओहो तूर की दाल, तबला तोड़ महेंद्र, दाल वड़ा, घुघरा और मसाला पापड़। महेंद्र इतना अद्भुत मेन्यू। हाँ तो अरे वाह, आप तो संजीव कपूर निकले, लाइए तो दिखाइए। देखो वाह 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 महेंद्र सरस, अब इसको फाड़ के फेंक देते हैं। क्यों? लेकिन क्योंकि आपका मेन्यू एकदम फालतू है। मेन्यू मैंने बनाया है वो सुनो, बाजरे का रोटला, बैंगन का भरता, सेव टमाटर की सब्जी, उबारियो मारो जो पत्तियों रथी, फिर वो अपना मूंग दाल हलवा, मोहन थाल उभारियो, खिचिया पापड़, कढ़ी खिचड़ी और कंद के पकौड़े। हाँ नहीं अभी ये बाकी सब सामग्री तो है मेरे पास, अभी सिर्फ वो सेव टमाटर की सेव नहीं है मेरे पास, वो ढोल भाई गोखले की दुकान से जाके फटाफट लेके आते। कैसे चलते है ना वो ढोल भाई गोखले, कभी देखा है आपने महेंद्र? ध्यान से ऐसे 8.5 महीने का पेट लेके वो गर्भवती औरत चलती है ना वैसे। मिमिक्री क्वीन, ऐसा लगता है कभी भी डिलीवरी हो जाएगी। बोलो उर्मिली लिवर है सुपर। चल अभी सेव लेके आते हैं। चिपका फोटो चिपका उस दिगंबर की, और अभी ये पोस्टर इधर इधर लगा लगा लगा, चिपका दे चिपका दे। दिगंबर आप पे मैं मेरी कमाई की खाता हूँ, तेरे घर के अनाज से नहीं ना अपना पेट बढ़ाता हूँ। नमस्ते अन्ना साहब। नमस्ते नमस्ते अन्ना साहब, हमें थोड़ी सेव चाहिए। मींस के वो बेसन की बनी होती है ना जो गाठिया की छोटी बहन, वो वाली। अब लंबा चलेगा। अन्ना साहब को पता है डोबी। अरे नहीं नहीं बराबर है, अच्छा किया बता दिया मुझे उर्मिला बहन ने। जयो क्योंकि मैंने सेव सुना तो मुझे लगा आप दाढ़ी बनवाना चाहते हैं हमारी फरसान की दुकान पे आकर के। सेव और फिर आफ्टर सेव लोशन भी सन लगाएंगे सेविंग हो जाने के बाद। उसको शेव बोलते हैं ना साहब, सेव नहीं। हाँ वो मुझे पता है, लेकिन आप गुजराती लोग वो स ठीक से बोल नहीं ना पाते, वो स की जगह स बोलते हैं। शाहरुख खान का शाहरुख खान, टी-शर्ट का टी-शर्ट, जिग्नेश हितेश कमलेश केशव का केशव। हाँ और सोफा सेट की जगह सोफा सेट। दादा वो सोफा सेट ही होता है, सोफा सेट नहीं। और अन्ना ये बोलते हैं पर आप मराठी लोग भी ज का ज बोलते हैं ना, जैसे तुझे को तुझे, मुझे को मुझे, समझाना का समझाना, और गुजराती को गुजराती। अच्छा बाबा बोलते होंगे लेकिन आपकी दुकान पे आकर के तो नहीं ना बोलते गिराइक लोगों के सामने। काम के समय पे खलेल पहुंचाना आपका शौक है कि परंपरा? अभी जाइए ना आप, 1 बजे आना। हाँ अन्ना साहब हम भी ग्राहक ही हैं, खरीदने आए हैं। हाँ तो उधार मांगने थोड़ी आए हैं। अरे गिराइक बन के खड़े हैं तो गिराइक का धर्म भी तो निभाइए ना, आप भी आइए लाइन में। आधा किलो सेव दे दीजिए। आधे किलो में क्या होगा, 1 किलो 1 किलो महेंद्र। 1 किलो सेव दे दीजिए। 2 किलो 2 किलो, फैमिली बड़ी कितनी है। 2 किलो सेव दे दीजिए।
5 किलो महेंद्र सेफ साइड। 5 क्विंटल बोल दूं? होलसेल में सस्ता पड़ेगा। आप 5 टन बोल दीजिए महेंद्र भाऊ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये देखो गिराइकों की लाइन लगी है। वो असली गिराइक है, मैंने किराए पे नहीं मंगवाए हैं दिखाने के लिए कि देखो देखो हमारी दुकान पे कितने सारे गिराइक आते हैं। हाँ, बुरा मानना हो तो मानना, लेकिन क्या है ना, ऐसी नौबत शायद आप लोगों की आएगी। आपकी दुकान पे वो गुजराती बाकर वो चायो? मैंने बोला था ना वट नौकट को, हम इनके यहाँ ग्राहक बन के खड़े है और ये कंपटीशन पे उतर के गुजराती मराठी करने बैठ गए। बोल, अरे गिराइक बन के खड़े हैं तो गिराइक का धर्म भी तो निभाइए ना। आप भी आइए लाइन में, ऐसे बीच में से तो कोई गिराइक नहीं आता ना कि भाई मुझे थोड़ा सेव चाहिए, मुझे थोड़ा चिवड़ा चाहिए, है कि नहीं? बोलो हाँ हाँ ना सर। वो क्या है कि हमें जल्दी जल्दी घर पहुंच के खाना बनाना है। अरे चंपा, ए चंपा, चंपा ए बुला रहे चंपा। ए कौन? मैं चंपा, मैं चंपा, चंपा। हाँ साहेब, पेंसिस साहेब, बताइए ना क्या काम है? अरे अब इनका सामान अंदर रखवा दो और अब आप लोग खंडाला घूम के आइए, अच्छी की विकी ले लीजिए। हाँ अब ये पैसे रखिए, रखिए रखिए रखिए। लेकिन सर आप जा रहे हैं या मैं आप लोगों का डांस कैंसिल करवा दूँ? ठीक है सर, हम लोग जाते हैं, लेकिन ये हमारा सामान, इसमें हमारे डांस के कॉस्ट्यूम्स हैं। सलामत रहेगा। अच्छा जाइए जाइए, अरे जाइए वरना वो चिकी की दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है हम लोग जाते हैं, घूम के आते हैं। हाँ। साहिब, ओ पेंसिस साहिब। ए उर्मिली, वो लोग गए। हाँ, अब हाँ, तू समझी? पापा पापा मींस के, अरे मींस के इसे तो पता ही है ना। हाँ, कौन पापा कौन मम्मी। अरे बिस्किट कहाँ है? बिस्किट को ना मैंने बहुत सेफ जगह छुपा दिया ताकि वो वॉचमैन है ना उसे ढूंढने में उलझा रहे। हाँ, शाबाश हरी थिक्री, शाबाश। उर्मिला, अन्ना साहब की आन बचाने के लिए मुझे मुंडवानी ही होगी। समझ गई मेरे खरगोश लाल, मैं समझ गई। ओ पेंसिस साहिब। ए पेंसिस नहीं पूछड़ी, चुप करने। अबे तू जा जल्दी से कुछ ढूंढ, मुझे तो मुंडवानी होगी ना इस लेडीज डांसर को। हाँ हाँ मैं कुछ ढूंढती हूँ। महेंद्र घूम जाइए, फटाफट मूछे निकाल देती हूँ। डूबी? मेरी गर्दन नहीं निकालनी है, इससे मेरी मूछे निकालेगी तो मेरे होंठ भी निकल जाएंगे। कुछ और ढूंढ और। अरे अभी ऐसे टाइम पे कुछ और क्या ढूंढू मैं। अरे एक काम करती हूँ, आपको सीधा ब्यूटी पार्लर ले लेके जाती हूँ, चलो। हे महेंद्र। हाँ। मेरा पर्स, गायत्री पकड़ दो मेरा पर्स महेंद्र। पर्स क्या पर्स? पर्स ये देखो, हेयर रिमूविंग वैक्सिंग स्ट्रिप। अरे क्या कुछ भी। उन तीनों डांसर्स की जगह लेकर हम तीनों ने अरबी डांसर बनके उस पेंसर ऑफिसर्स को रंगे हाथों रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया, और इसके लिए मींस के ए लेडीज डांसर बनाने के लिए महेंद्र की मूछें निकालना तो जरूरी हो गया था। मतलब ये चिपका के ऐसा खींच के निकाल दूंगी ना आपकी मूछ एक झटके में। नहीं, ये तो थोड़ा जलेगा। अरे नहीं नहीं महेंद्र, मस्त भमा भम जलेगा आपको। है? हाँ हाँ, आपके फेफड़े से उछल के मुंह से बाहर निकल जाएंगे। ऐसी राड़ बोल जाएगी ना आपकी, कैसा आपकी नस नस में हाथी को मारने वाले 4000 इंजेक्शन किसी ने एक साथ मार दियो ना, ऐसा दर्द होगा आपको। है? लेकिन महेंद्र आप दर्द के मारे चिल्ला नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप चिल्लाएंगे ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, है ना। हाँ तो चलो आ जाओ, आजा आजा, मर्दी को नहीं आओ तेरे माँ। गायत्री पकड़ तो मारो बच्चूड़ो, मर्दी को नहीं आओ तेरे माँ। गायत्री पकड़ तो मुंडी पकड़ पापा। बहुत चलेगा प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा महेंद्र, धीरे प्लीज। अरे कुछ नहीं होगा महेंद्र, थोड़ा तो बर्दाश्त करना पड़ता है ना। Thank you.
लगे लगे महेंद्र लगे 4000 हाथी वाले इंजेक्शन लगे फेफड़े फेफड़े बाहर आए महेंद्र फेफड़े मम्मी दिख नहीं रहा है आपको पापा को कितना पेन हो रहा है मैं क्या बोलती हूँ मेरे मूछ मुंडे महेंद्र जलन पे मलम लगा दो ओ पेंट से साहेब उर्मिली साहेब को साहिबा बना ताकि मैं अपना जलवा दिखा सकूं हिंदी फिल्म For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.